हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 7 आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 7। इफ मैट्रिक्स ए इज, देखिए ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड सेकेंड रो में है 2, 3, 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3 मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। एंड अनदर मैट्रिक्स बी का भी सेम ऑर्डर है 2 × 3, तो ये बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको। देन फाइंड 2a − b, तो ध्यान से देखिए जो a के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 दे रखा है, तो यहां से आपको जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसकी मल्टीप्लाई एक स्केलर 2 के साथ करनी है, वो अभी हम इस एग्जाम्पल में आपको करके भी दिखाएंगे कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी। स्केलर मींस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैट्रिक्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड 2a − b, मीन्स इस 2 स्केलर की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ करनी है और मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये हमें दे रखी है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे −b, तो b मैट्रिक्स हमें जो दे रखी है वो मैंने लिख दी। अब इस स्केलर की मल्टीप्लाई हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे जो कि a 1 1 है। 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 हो जाएगी। इसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम 4, फिर 3 से 6, फिर 1 से करेंगे 2। मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, जब भी हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर से करेंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दी और ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आ गई। माइनस मैट्रिक्स भी हमने एज इट इज लिख दी, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑर्डर सेम ना होता तो ये मैट्रिक्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। सो देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 − 3, 4 − फिर एक और माइनस है वो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 1, फिर 6 ये वाला माइनस और ये 3 आ गया, ठीक है। नाउ सेकेंड रो में 4 − ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, लेकिन जो दूसरी मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो भी माइनस में है तो उसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब इस रो का जो एलिमेंट है ये वाला 6 − 0, फिर नेक्स्ट है 2 − 2, तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो नाउ 2 − 3 = −1, 4 − प्लस हो जाएगा ये 4 + 1 = 5, 6 − 3 = 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 − 4 + 1 = 5, 6 − 0 = 6 हो जाएगा, 2 − 2 = 0। तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। थैंक यू।